नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश, आपका अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी की भर्ती 2019 चालू हो गई दोस्तों, और सभी दोस्तों एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। तो दोस्तों, ये आपको तीन बुक हम बताने वाले हैं, ये बुक फॉलो करें, और इस बुक फॉलो करने के बाद सही में इस बार रेलवे आपकी होगी पार। हाँ दोस्तों, आप तीन बुक पढ़ें, ज़्यादा बुक पढ़ने के बाद ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और लास्ट टाइम में हम लोग का रिविज़न भी नहीं कर पाते हैं। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रिविज़न रिविज़न नहीं कीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं निकलने वाला है। जितना ही पढ़िए, रिविज़न बहुत ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, फ्री चैनल है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं इसी तरह का सबसे पहले रेलवे की पल पल की न्यूज़ सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न लेके आया हूँ कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कितना नंबर का देश है। तो ए 161, बी 152, सी 172, डी 184। दोस्तों जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर रखें, नहीं तो वीडियो को शुरू से लेते अंत तक देखिए, लास्ट में आपको इसका आंसर हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं वो तीन बुक कौन सी है। सबसे पहला बुक है दोस्तों आपका करंट की। हाँ दोस्तों, सबसे पहला बुक है आपकी करंट की। तो आप ये वाला बुक, स्पीडी का जो बुक आता है, ये वाला बुक आप ज़रूर रिकमेंड करें दोस्तों। और ये वाला बुक बहुत ही अच्छा है, खास रेलवे के आधार पर ये वाला बुक बनाया था। सबसे पहले दोस्तों, ये वाला बुक लगभग 40 से 45 रुपया दाम है दोस्तों, ये वाला बुक लीजिए, करंट का है दोस्तों। और करंट का प्रश्न जानते हैं कि रेलवे 8 से 10 प्रश्न करंट का ही डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये वाला बुक ज़रूर रिकमेंड करें। चलिए आगे का बुक हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला बुक एसएससी मैथ। जी हाँ दोस्तों, एसएससी मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही 8700+ वाला जो बुक है, प्रीपेयर सीरियस बुक है दोस्तों एसएससी की। और रेलवे जो जानते हैं कि रेलवे के इस बार आप लोग दिए होंगे, एएलपी का दिए होंगे, ग्रुप डी का दिए होंगे, अभी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लेवल, अब पहले ऐसा रेलवे का लेवल रहा नहीं दोस्तों। अब रेलवे भी अब मैथ का जो क्वेश्चन पूछता है वो काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न पूछता है दोस्तों। तो आपका भी जो तैयारी होना चाहिए वो स्टैंडर्ड लेवल का तैयारी होना चाहिए। तो आप, हम बोलेंगे एसएससी जो किरण पब्लिकेशन की आती है, ये वाला बुक आप ज़रूर रिकमेंड करें। ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, चैप्टर वाइज है और एसएससी के पूरा प्रीवियस ईयर है। हर टाइप का टाइप बाई क्वेश्चन है दिया दोस्तों, टाइप बाई क्वेश्चन लेते हैं, एक से लेते हुए 8, 5, 6 करके टाइप दिया हुआ है इसमें। और बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, यदि आपको इसके रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इसे इसको पढ़ने से पहले यदि आप आरएस अग्रवाल के बुक बनाए हैं तो आपको इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यह दोस्तों, आपके पास यदि आरएस अग्रवाल का बुक है तो उसका एक चैप्टर बनाएं, इसके बाद फिर इसे आप एक रिविज़न कर रहे हैं तो आपका तैयारी 100% हो जाएगा। और मैथ का एक भी क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका मैथ का नहीं छूटने वाला है। आप पहले आरएस अग्रवाल बुक बनाएं, फिर किरण का बनाएं, एक ही पर हम बताते हैं कि मैथ का इससे अच्छा प्रीवियस ईयर बुक आपको में नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप, हम बोलेंगे मेरा चॉइस है कि बेस्ट बुक है, आप इसको रिकमेंड जरूर करें दोस्तों। कहीं भी अमेजोन से कर सकते हैं, अपने नज़दीकी दुकान से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बुक है और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है इसमें, भरमार है क्वेश्चन का, 8700+ क्वेश्चन है, हर लेवल का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो ये वाला दोस्तों आप जरूर देखें। चलिए आगे का हम लोग बुक देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह है रीजनिंग का बुक है, किरण पब्लिकेशन की है, काफ़ी अच्छी बुक है रीजनिंग की। यदि आप लोग रीजनिंग में थोड़ा सा, मतलब कि आपको कन्फ्यूजन बुझा रहा है कि रीजनिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग जरूर रहें, क्योंकि देखिए रीजनिंग का वेटेज जो है पीटी में 30 और मैथ्स में 35। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग में यदि आप 30 में 30 उठा सकते हैं, इसका तैयारी अच्छा से करना होता है, तो आप, तो हम बोलेंगे कि ये रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फुल्ली सॉल्व दिया गया है, ट्रिक के साथ दिया गया है। यदि आप ये वाला बुक है तो अच्छा, या नहीं तो आपके पास लुसेंट का बुक है, कोई भी बुक है, कोई बुक है तो आपका चलेगा, मगर ये वाला बुक काफ़ी बेस्ट है। यदि इसका आपके पास ये वाला भी बुक है, यदि आपके पास सगीर अहमद का ये वाला बुक है तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ये वाला भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। मगर इसमें यह है कि इसमें आपको जो है ये वाला बुक काफ़ी ही अच्छी है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर के दिया हुआ है और ट्रिक के साथ ये वाला बुक दिया था। ये वाला जो बुक है तो दोस्तों नॉन वर्बल इसमें नहीं दिया होगा, इसमें ओनली वर्बल रीजनिंग दिया हुआ है। तो आप दोनों बुक्स में से कोई भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये वाला बुक भी आप लीजिए दोस्तों, यह है
जीके जीएस जो आपका पूछने वाला है वो 40 प्रश्न होगा दोस्तों। 40 प्रश्न आपका रहने वाला है आपका पीटी में, और मेंस में 50 प्रश्न रहने वाला है। तो ये वाला बुक लीजिए, घटना चक्र का दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि एक प्रश्न आपका दिया हुआ रहेगा, इसका आंसर नीचे दिया हुआ रहेगा, आप उसका पूरा सोल्यूशन दिया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पूछ लेगा कि ताजमहल कहाँ है, तो आप बोले आगरा में, आप पूरा इसका नीचे पूरा बताया जाएगा कि उसके बारे में पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, कहाँ है, कौन बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, पूरा बहुत अच्छा से दिया है। ये वाला बुक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि ये वाला बुक लीजिए। और इस बार जो आप एनटीपीसी का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, इसमें देखिए क्या पूछने वाला है। करेंट पूछेगा सबसे पहले, था करेंट पूछेगा, और इसमें फिर कंप्यूटर की क्वेश्चन काफ़ी रहेगी, इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन रहेगी, फिर आपका हिस्ट्री की क्वेश्चन रहेगी, ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेगी, और साइंस का क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, साइंस के क्वेश्चन रहने वाली है। साइंस में आपका जो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर एसएससी का न्यूमेरिकल है घटना चक्र की, तो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेगी, केमिस्ट्री है इसमें, बायोलॉजी बहुत अच्छे से दिया गया है। एक भी क्वेश्चन, एक ये वाला बुक पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है दोस्तों। यदि आप लुसेंट भी पढ़े हैं तो लुसेंट भी काफ़ी अच्छा है। स्पीडी देखिए, स्पीडी से आप दिए होंगे एग्ज़ाम, तो स्पीडी से बहुत ही कम प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पीढ़ी बहुत लड़के पढ़े हैं, पूरा बुक रट रट के गए हैं, और मिला है मात्र 1 से 2 क्वेश्चन। अब रेलवे भी जान गई है कि अब क्वेश्चन का लेवल रेलवे ने बढ़ा दिया है, अब रेलवे ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, छोटा छोटा क्वेश्चन। अब पहले जो पूछते थे रेलवे, 1999 में देखे होंगे, 2005 में देखे होंगे, 2013-14 में जो एग्ज़ाम हुआ उस लेवल का भी अब क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। अब रेलवे ने कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैंडर्ड लेवल एसएससी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन बनाती है। अब एसएससी के थ्रू से एग्ज़ाम दीजिएगा तो एनटीपीसी इस बार आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस बुक को रिकमेंड करें। यदि आपके लेवल में प्रीवियस ईयर एसएससी का बुक उठाए, आप कहीं से प्रीवियस हो जाए, मगर प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर पढ़े दोस्तों, स्टैंडर्ड लेवल का बुक पढ़े। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप यही लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये बुक, अमेजन से लीजिए, या तो फिर अपने सामने कोई दुकान है तो उससे लीजिए। तो ये तीन बुक आप लोग दोस्तों आप जरूर रिकमेंड करें, ये तीन बुक जो हमने बताया है, और एक चार चौथा बुक जो है आपका स्पीडी का जो है करंट, ये दोस्तों करंट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आपको जो हम अंतिम में जो प्रश्न बताए थे ये वाला, जी भारत में जीएसटी लागू करने वाला कितना नंबर का देश है, तो आप उम्मीद है आप लोग जान गए हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर भी दिए होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, 161वां देश है भारत जो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, फ्री चैनल है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।